मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू हिस्ट्री चैप्टर 3, रूलिंग द कंट्री साइड। इन प्रीवियस चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन यू हैव द ब्रिटिश एंटर्ड द इंडिया एज अ ट्रेडर्स एंड स्टार्ट रूलिंग और इंटरफियरिंग इन मैनी पॉलिटिकल स्टेट्स। ओके, मैंने आपको इससे पहले चैप्टर में बताया था कैसे ब्रिटिशर्स एक व्यापारी के रूप में हमारे देश में आए और उन्होंने यहाँ के कमज़ोर राजाओं या पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हुए कई राज्यों को अपने अधीन किया या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफेयर करना शुरू किया। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर दे गेट द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। तो जैसे आपको मालूम है कि बैटल ऑफ बक्सर और प्लासी में नवाबों की हार होने के बाद ब्रिटिशर्स हमारे देश में और मजबूत हो गए, तो उनको अधिकार मिला दीवानी इकट्ठा करने का बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से। तो ग्रांट ऑफ दीवानी एंड फाइनेंशियल पावर, तो इसी को अब हम आगे चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं जिसका नाम है रूलिंग द कंट्री साइड। द ग्रांट ऑफ दीवानी एंड फाइनेंशियल पावर। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज मेड द दीवान ऑफ द बंगाल ऑन 12 अगस्त 1765 बाय then the Mughal Emperor Shah Alam II. Thus the company became the chief financial administrator of the territory of Bengal. तो जैसे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनको दीवानी का अधिकार मिला शाह आलम के द्वारा, शाह आलम सेकंड के द्वारा 12 अगस्त 1765। इस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापार के रूप में या व्यापारी के रूप में हमारे देश में आई थी वो आज हमारे देश में शासन करने लगी थी। ओके, द कंपनी ऑफिशियल अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिंग देयर बेस्ड इन इंडिया। दे अंडरस्टूड द इम्पॉर्टेंस ऑफ दोज हु हैड रूल द कंट्री साइड इन द पास्ट एंड हैड इंजॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टिजियस कंपनी वॉन्टेड टू केयरफुल। तो इस प्रकार से जो हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको भारत में पैर जमाने के लिए और मजबूती से खड़ा होने का एक और मौका मिला और उन्होंने कई ऐसे नए तरीके अपनाए या कई इस प्रकार से उन्होंने हमारे देश का शोषण किया जिससे उनकी स्थिति और मजबूत होती जाए, उनका जो खजाना है या टैक्स है उनको और ज़्यादा मिले। तो इसका कुछ नेगेटिव भी हुआ कि भारत कि जो कुछ कमज़ोर तबके के लोग थे वो दिन ब दिन कमज़ोर होते चले गए जिसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। द ग्रोथ ऑफ रेवेन्यू। इनिशियली द कंपनी वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग द रेवेन्यू सो डैट इट्स ट्रेड एंड अदर एक्सपेंसेस वुड बी अ फाइनेंशियल, बट द कंपनी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन सेटिंग अप द रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। द रेवेन्यू वॉज एनफ टू डबल द परचेस बाय द कंपनीज विद इन 5 ईयर्स। तो ये जो कंपनी जो इस रेवेन्यू जिसको हम आज टैक्स कहते हैं वो कई प्रकार से इम्पोज करने की कोशिश करती थी जिससे उनको फ़ायदा मिले, और परंतु ये यह नहीं सोचती थी कि यहाँ के लोगों की स्थिति कैसे सुधारी जाए या किस प्रकार से फाइनेंशियल हेल्प की जाए या किस प्रकार के उनके प्रॉब्लम को सेटल किया जाए। द ग्रोथ ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल, बट द बंगाल इकोनॉमिक वॉज फेसिंग अ डीप क्राइसिस। Artisans were begun forced to sell their goods in the company at the low prices and hence most of them were deserting their villages. The peasants were not able to pay the dues. Production by the artisan declined and the farm's production also declined. तो इसका जो टैक्स imposed या रेवेन्यू इम्पोस्ट करने का जो तरीका था ब्रिटिशर्स का बहुत हार्श था। इसका जो नेगेटिव इफेक्ट था आर्टिशियंस और फार्मर्स पे पड़ा। जो आर्टिशंस है उनको फोर्स किया जाता था कि वो अपने जो प्रोडक्ट है वो कंपनी को कम रेट में बेचे। तो वो क्या करते थे, यहाँ से जो मटेरियल तैयार होता था वो इंग्लैंड में या बाकी और कंट्रीज़ में ऊंचे दामों में बेचकर हाई प्राइस में सोल्ड आउट करके वो प्रॉफिट कमाती थी। लेकिन जो हमारे देश के गरीब किसान या फिर जो आर्टिशन थे वो दिन ब दिन और गरीब होते चले गए और बहुत से लोग को अपने जॉब से या अपने बिजनेस से हाथ धोना पड़ा था।
इन 1770 अ टेरिबल फैमाइन हिट द बंगाल, इट किल्ड द 10 मिलियन पीपल। इसी बीच इन 1770 को बंगाल में एक बहुत फैमाइन मतलब होता है अकाल, जब बहुत सालों तक के पानी ना गिरे और कोई खेती किसानी ना हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ग्रोन ना किया जाए तो उसे फैमाइन कहते। तो उसमें लगभग उस भूखमरी में या उस अकाल में लगभग 10 मिलियंस के आसपास लोगों की मौत हुई। या हेयर इन दिस पिक्चर वी कैन सी दैट रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल। इन दिस पिक्चर द शाह आलम सेकंड वॉज गिविंग इविंग अ नोट टू अ ईस्ट इंडिया कंपनीज वन ऑफ द ऑफिसर रॉबर्ट क्लाइव। इसमें हम देख सकते हैं इस पिक्चर में कि जो गद्दी पे बैठे हैं वो शाह आलम सेकंड है और जो नीचे खड़े हुए हैं वो रॉबर्ट क्लाइव है, अंग्रेज़ों के एक अफसर जिनको ये पत्र दिया जा रहा है जिसमें उनको ये अधिकार मिला है कि वो बिहार, बंगाल और उड़ीसा से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, रॉबर्ट क्लाइव ही वॉज द फर्स्ट कमांडर इन जनरल इन इंडिया। ओके, तो वो अंग्रेज़ों की तरफ से पहले एक सेना के जनरल थे जो हमारे देश भारत में आए थे। टुगेदर विद द वारेन हेस्टिंग ही वॉज वन ऑफ द की अर्ली टू फिगर्स इन द क्रिएशन ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। ही ऑल्सो सेट फॉर द टू ब्रॉड्स एंड अ ट्रॉय मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन द ग्रेट ब्रिटेन। तो जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाई जिससे इनको बहुत फ़ायदा हुआ, ब्रिटिशर्स को और साथ ही साथ रॉबर्ट क्लाइव को भी। तो उनके इस काम से खुश होकर जो उस समय रानी थी एलिजाबेथ अपनी इंग्लैंड की जो महारानी थी, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव को पार्लियामेंट हाउस का मेंबर बना दिया था उनके काम को देखकर, उनके कामों से खुश होकर। नाउ द मेन मोटो ऑफ द कंपनी वॉज टू कलेक्ट द दीवानी और द टैक्स और द रेवेन्यू। तो कंपनी का जो मेन मोटो होता था कि वो टैक्स या दीवानी कलेक्ट करे जिससे अंग्रेज उन पैसों से अधिक यहाँ से सामान खरीद कर विदेशों में भेजे और जब वो तैयार हो तो बाकी देशों में ऊंचे दामों में बेचा जाए। तो दे पुट अप अ मैनी रिफॉर्म्स और द मैनी पॉलिसीज। तो उन्होंने इसके लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स किए और कई सारी पॉलिसीज भी लागू की, उनमें से एक था परमानेंट सेटलमेंट। द कंपनी हैड टू टेक द सेम स्टेप टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर बाय इम्प्रूविंग द इन्वेस्टमेंट इन द लैंड। तो कंपनी ने उस समय जो था उनको सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका लगा लैंड, ज़मीनों में पैसे लगाना जिससे ज़्यादा, जिससे उन्हें डबल प्रॉफिट हो, द परमानेंट सेटलमेंट। तो इसीलिए उन्होंने एक पॉलिसी निकाली और जिसका नाम दिया द परमानेंट सेटलमेंट। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793। अकॉर्डिंग टू दिस द राजास एंड द तुगलदार्स वेयर रिकॉग्नाइज एज अ जमींदार एंड वर गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द पीजेंट्स। तो ऐसे इन 1793 को एक ये पॉलिसी लगाई गई जिसमें जो राजा और जो तुगलकदार होते थे उस समय के, जिसे हम बड़े बड़े जमींदार या लैंडलॉर्ड्स कहते थे, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो रेवेन्यू कलेक्ट करे फ्रॉम द पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस लाइक दैट। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली एंड हैंस द नेम परमानेंट सेटलमेंट। तो इसमें यह होता था जो रेवेन्यू है या जो दीवानी है वो फिक्स होती थी, वो चेंज नहीं होती थी, इसलिए उसका नाम जो था वो दिया गया परमानेंट सेटलमेंट। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली एंड हैंस द नेम परमानेंट सेटलमेंट। द कंपनी ऑफिशियल्स फेल्ट दैट इट वुड बी इंश्योर अ रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। दे ऑल्सो फेल्ट दैट दिस वुड बी मोटिव द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। तो इन्होंने इसलिए क्यों किया, इस पॉलिसी को क्यों लागू किया, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद थी कि इस पॉलिसी को लागू करने से ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, जो एक ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आएगी, ठीक है, ताकि जिससे वे और मजबूत होंगे। और उनको एक ये नज़र आया कि जो ज़मींदार है कि वो भी टैक्स पे करेंगे, एक परमानेंट होने के कारण, परमानेंट सेटलमेंट जो मैंने बताया कि एक फिक्स अमाउंट दे हैव टू पेड। दे ऑल्सो फेल्ट दैट इट वुड बी मोटिवेट द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। द जमींदार्स वुड बी बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज द प्रोडक्शन बिकॉज द रेवेन्यू डिमांड वुड बी नॉट बी इंक्रीज्ड।
तो देखिए तो ज़मींदार वुड बी बेनिफिट, तो उन्होंने क्या किया, ज़मींदारों को एग्री किया कि वो ज़मीनों में पैसा लगाए, एग्रीकल्चर में पैसा लगा, जिससे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू जो थी वो फिक्स थी, अगर इनकम बढ़ेगी तो रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन उन्होंने फिक्स कर दिया था अगर आपकी इनकम बढ़ रही है तो रेवेन्यू एज इट इज ही रहेगी, इट वुड नॉट बी चेंज्ड। द प्रॉब्लम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, लेकिन इस परमानेंट सेटलमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। द रेवेन्यू वॉज फिक्स्ड एट सच अ हाई लेवल डैट द जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। तो जो रेवेन्यू, परमानेंट रेवेन्यू जो था वो एक फिक्स्ड था, पर वो हाईली फिक्स्ड था, अमाउंट जो था उसका बहुत ही ज़्यादा था, इतना कि जो ज़मींदार थे उनको भी बहुत मुश्किल लगती थी इस रेवेन्यू को पे करने के लिए। अ ज़मींदार हु फेल टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज ज़मींदारी, हैंस द ज़मींदार वे आर नॉट इन्वेस्टिंग इन इम्प्रूवमेंट ऑफ द लैंड। तो जो ज़मींदार रेवेन्यू देने में सक्षम नहीं हो पाते थे या नहीं दे पाते थे, उनकी ज़मींदारी उनसे छीन ली जाती थी और किसी और को दे दी जाती थी। तो स्वाभाविक है कि जो ज़मीनें मिली थी ज़मींदार को वो उनसे छीन ली गई थी। बट द सिचुएशन चेंज बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, देयर वॉज अ प्राइस राइज एंड द एक्सपेंशन इन द कल्टिवेशन। बट सिचुएशन वॉज चेंज इन कमिंग 19th सेंचुरी, और जो प्राइस राइज थी, देयर वॉज अ प्राइस राइज इन एक्सपेंशन इन द कल्टिवेशन, जो कल्टिवेशन में जो प्राइस राइज लगाई जाती थी वो धीरे धीरे बढ़ा दी गई। द इनकम ऑफ द जमींदार इंक्रीज बट डिड नॉट रिजल्ट एनी अगेन, यहाँ तक कि जो ज़मींदार उनको रेवेन्यू इकट्ठा करते थे उनकी सैलरी भी बढ़ा दी गई थी, परंतु इन सब का कुछ ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकला। द ज़मींदार प्रीफर्ड टू अर्न एज मच प्रॉफिट एज दे कुड बी सेल्डम द बॉर्डर अबाउट इन्वेस्टिंग द लैंड, दे वेयर जस्ट हैप्पी टू लीज़ टू आउट द लैंड टू टेंट। द सिस्टम वॉज एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव फॉर द कल्टिवेटर्स, ही हैड टू पे अ हाई रेंट टू द जमींदार, बट देयर वॉज नो सिक्योरिटी ऑफ हिज राइट ऑन द लैंड। द कल्टिवेटर ऑफन हैड टू टेक द लोन फ्रॉम द मनी लेंडर्स टू पे द रेंट। फेलियर ऑफ द पेमेंट ऑफ द रेंटल मीन एक्सपेंशन ऑफ द कल्टिवेशन फ्रॉम द लैंड। तो देखिए इसका सबसे ज़्यादा जो परिणाम था, ज़मींदारों के तो पढ़ाई, पर सबसे ज़्यादा जो था वो उस समय के जो खेतीहर मजदूर या किसान या आर्टिसन थे उन पे पड़ा। क्यों? रेवेन्यू जो परमानेंट सेटलमेंट था ठीक है, पर जो रेवेन्यू देने का तरीका था वो बहुत ही ज़्यादा हाई था, इतना कि जो गरीब किसान थे वो धीरे धीरे अपने खेतों से हाथ धो रहे थे, उनकी ज़मीन ही छीन ली जा रही गई थी। क्यों? क्योंकि वो लोन नहीं दे पा रहे, क्योंकि वो टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उन्होंने कई जगह से लोन लिया था उसका भी पैसा उन्हें देना था। इस प्रकार से हमारे देश में जो उस समय किसानों की स्थिति थी बहुत ही दयनीय हो गई थी। नाउ वी विल कंटिन्यू द अदर टॉपिक्स इन द नेक्स्ट क्लास, टिल थैंक यू।